हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं वो काफी ज्यादा शानदार वीडियो है, तो टाइटल सुनो फटाफट। टाइटल सुनो गाइस, इमाम हुसैन शहादत फुल स्टोरी, मुहर्रम करबला का पूरा वाकया। सो गाइस, एज यू नो इट इज़ द मंथ ऑफ मुहर्रम, तो हमने सोचा क्यों ना हम खुद भी थोड़ी हिस्ट्री जाने और हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी थोड़ी हिस्ट्री से हम वाकिफ कराएं। तो गाइज, जैसा कि मतलब हम दोनों को पता है, आप लोगों को नहीं पता होगा, हम इस वीडियो पे एक्चुअली कल रिएक्ट करने वाले थे बट हमारे कुछ प्रॉब्लम आ गई तो हम इसमें आज रिएक्ट कर रहे हैं। बाकी हम स्किप भी कर सकते थे बट हमने सोचा नहीं यार, इस वीडियो पे रिएक्ट करेंगे ताकि हमें थोड़ी नॉलेज मिले रिलेटेड टू द फेस्टिवल। एग्जैक्टली। और गाइज, ये वीडियो जस्ट अभी आई है अगस्त 7 ऑफ अगस्त। हाँ, इट इज 110 के व्यूज एंड ये मेहरबान अली की, और इनके हम बहुत वीडियोज पे रिएक्ट करते हैं गाइज। सो अभी देखते हैं फाइनली। आपको अगर पता है मुहर्रम की पूरा जो लाइक हिस्ट्री या फिर जो भी है, सो गुड। अगर नहीं पता तो देखो, और पता है तो भी देखो। यस गाइस, लेट्स जस्ट गो। जब करबला के मैदान में हर एक शहीद अल्लाह के दीन पे कुर्बान हो गया, फिर नवासाए रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मैदान में आते हैं और फौजी यजीद को ये आवाज देते हैं कि ऐ जालिमों, मैं तुम्हारे रसूल का नवासा हुसैन हूँ, मैं वो हूँ जिसके लिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ये जन्नत के जवानों का सरदार है, मुझे तो तुमने खत लिख के बुलाया था। तुम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके नाम इन खतूत में मौजूद हैं, और वो यजीद जो आज अल्लाह के दीन को झूठा कहता है, चंद सोने के सिक्कों के लिए तुम अपने नबी के नवासे को कत्ल करने आए हो। तारीख ने लिखा फौजे यजीद में हलचल मच गई। इतने में शिमर उमर साद कहते हैं कि हुसैन के खुतबे को रोको, कहीं ऐसा ना हो कि फौज में बगावत पड़ जाए। बस इमाम हुसैन पे लोग हमला करना शुरू करते हैं। इमाम हुसैन अल्लाह अकबर कह के जैसे ही मैदान में आते हैं तो मशरिक की फौज मगरिब और मगरिब की फौज मशरिक को दौड़ने लगती है। तारीख ने लिखा फौजी यजीद में ऐसा कोहराम मचता है कि उनके सिपाही कूफे तक जा पहुँचते हैं। उमर बिन साद कहता है ये अली का शेर है, इसको मात देना मुश्किल है, शिमर जाओ इनके खयाम को आग लगाओ। बस कुछ फौज के सिपाही सालार आले रसूल के खयाम को जलाते हैं। मौला हुसैन कभी मैदान की तरफ आते हैं, कभी खयाम की तरफ जाते हैं। इतने में उमर बिन साद कहता है कि चारों तरफ से हुसैन पे हमला कर दो। बस कोई नेजा फेंकता है, कोई तलवार मारता है, कोई तीर मारता है, कोई पत्थर मारता है। तारीख ने लिखा जिसके पास मारने के लिए कुछ न था वो करबला की गरम जमीन से मट्टी उठा के इमाम हुसैन की तरफ फेंकता है। इतने में आवाज़ गायब आती है, ऐ हुसैन तेरा अल्लाह तुझसे राजी हुआ। इमाम हुसैन अपनी तलवार को थाम लेते हैं। तारीख ने लिखा आपके जिस्म पर इतने तीर थे कि आपके जिस्म की कोई जगह जख्म से खाली न थी। इतने में एक जालिम आपके सर पे गुर्ज मारता है। आप घोड़े की जी से जमीन की तरफ आते हैं और अपना सर सजदे में रख देते हैं और मुसलसल अल्लाह का जिक्र करते हैं। फौजी यजीद के कुछ साथी जैसे ही इमाम हुसैन को सजदे में देखते हैं चाहते हैं कि हुसैन का सर काट लें, लेकिन जो जो इमाम हुसैन के सर काटने के लिए करीब आता, इमाम हुसैन के चेहरे में उनको रसूल अल्लाह का चेहरा नजर आता। इतने में शिवरा के इमाम हुसैन के गले पे खंजर रखता है। इमाम हुसैन की आवाज आती है, ऐ शिमर क्या तुझे पता नहीं मैं कौन हूँ? शिमर कहता है हाँ मालूम है, तू फातिमा बिनते मोहम्मद का बेटा है। इमाम हुसैन फरमाते हैं तू फिर भी मुझे कत्ल कर रहा है। शिमर कहता है यजीद का ये वादा है कि जो हुसैन को मारने में बेरहमी दिखाएगा उसको सबसे ज्यादा सोना और माली दुनिया दिया जाएगा। बस ये कहते कहते इमाम हुसैन की गर्दन को काटता गया, और वहाँ खयाम से बीबी ज़ैनब मुसलसल देखती है कि इमाम हुसैन के गले पे छुरी चल रही है। तो कुछ बीबियाँ अपने सर पे जमीन करबला की खाक डालती है। इमाम हुसैन के सर को काट के नेवे पे बुलंद किया जाता है, खयाम को जलाया जाता है। आले मोहम्मद की तमाम मस्तूरात अपने अपने वारिसों को देख के रसूल अल्लाह के दरबार में फरियाद बुलंद करती है। इतने में उमर बिन साद कहता है कि वो अरब के घोड़े जो लाशों को पामाल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उनको तैयार करो। एक ऐलान करवाते हैं कि सबकी लाशें पामाल गाह पे बिछाएं, इनको पामाल करेंगे। जैसे ही सिपाही अली अकबर की लाश के करीब आते हैं तो बेबी उम्मे लैला के कबीले वाले कहते हैं, इनकी माँ हमारे कबीले की है, हम इनकी लाश को पामाल होने नहीं देंगे। जैसे ही अब्बास की लाश के करीब आते हैं तो बेबी उम्मुल बनी इनके कबीले वाले कहते हैं, अब्बास की माँ हमारे कबीले की है, हम इनकी लाश पामाल नहीं करेंगे। कोई जनाब हुर की लाश लेके गया, कोई जनाब जॉन की लाश लेके गया, कोई हबीब इब्ने मज़ाहिर की लाश लेके गया, कोई कासिम की लाश लेके गया। बस तारीख ने लिखा करबला की गर्म जमीन पे नवासा रसूल की लाश लावारसों की तरह पड़ी रही। और मशरक के घोड़ों को मगरिब की तरफ दौड़ाते हैं, मगरिब के घोड़ों को मशरक की तरफ दौड़ाते हैं। इमाम हुसैन की लाश पामाल होने लगती है, इमाम हुसैन का सीना और पुश्त एक साथ होने लगते हैं, इमाम हुसैन की पसलियां टूटने लगती है। फौजे यजीद झूम के कहती है कि आज हमने औलाद रसूल से बदरोहत का बदला ले लिया, बदरोहत का बदला ले लिया, बदरोहत का बदला ले लिया। ओके गाइस, दिस वाज अ वेरी इमोशनल वाक्य सही में, और काफ़ी ज़्यादा हम लोग भी इमोशनल हो गए थे बीच में सुनते टाइम। एकदम से फोकस नहीं रहा कि कुछ भी सोचे वीडियो के बारे में, बस सुन रहे थे हम कान लगा के और बिल्कुल सुन रहे थे, और काफ़ी ज़्यादा एक्चुअली में इमोशनल था। एग्जैक्टली, आई स्टिल फील कि पूरी हिस्ट्री इन्होंने नहीं बताई, इन्होंने सिर्फ वो वाला पार्ट बताया कि कैसे जंग में उनका कैसे इंतकाल हुआ। जो पहले की थोड़ी स्टोरी थी वो भी अभी भी अधूरी रह गई। एग्जैक्टली, बट स्टिल दिस वाज वेरी हार्ट ब्रेकिंग, और सुन के से रूह कांप गई, है ना। एग्जैक्टली, बहुत ज़्यादा वो था कि मतलब दर्दनाक, और जिस तरह से सब कुछ हुआ। बट मेरे को भी जैसे तूने बोला ना कि स्टार्टिंग की इनकी थोड़ी बताना चाहिए था कि ऐसे हुआ, स्टोरी जो भी हुई लेकिन उन्होंने सिर्फ वो वाला पार्ट बताया जहाँ पे सिर्फ जंग हुई और जंग में क्या हुआ और वो शहीद हुए तब क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, बस ये चीज़ उन्होंने बताई। तो आई थिंक इस वीडियो में चीज़ें मिसिंग थी, और आप लोग भी शायद इस चीज़ के साथ एग्री करते हो। और काफ़ी ज़्यादा आई थिंक हमें और वीडियो से भी रिएक्ट करना चाहिए ताकि पूरा बैक स्टोरी, आफ्टर स्टोरी सब कुछ पता चले, मतलब सब कुछ लोगों को पता चले कि क्यों, क्या, कैसे। सो गाइज, दिस वाज द वीडियो, इट वाज वेरी इमोशनल। इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने कि ऐसा होगा वीडियो में, इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया था। और गाइज फिर भी अभी बहुत सारे मन में ना क्वेश्चन है कि एक्चुअली में ऐसा क्यों हुआ। मेरे को पर्सनली भी ऐसा लग रहा है कि इनकी बहुत ज्यादा चीजें मिसिंग थी, मतलब इन्होंने लोगों को नहीं पता, उनके लिए इसलिए क्वेश्चन है कि व्हाई। एग्जैक्टली, तो मेरे को लगता है कि हमें एक और वीडियो देखनी चाहिए, और वो सजेस्ट करोगे आप लोग। यस गाइस, तो कोई पूरी आप हमें वीडियो भेज सकते हो, आप नीचे कमेंट सेक्शन में उसका नाम डाल दो, या फिर इंस्टाग्राम पे अपना वीडियो भेज दो, हम जरूर उस पर रिएक्ट करेंगे। सो दिस वाज अ रिएक्शन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।